हेलो दोस्तों, मोहत अब्रेज, आप देख रहे हैं अपना चैनल ऑलराउंडर HLFL वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला दोस्तों, जो बिहार बोर्ड की तरफ से इंटर में एग्जाम दिए दोस्तों, उसके लिए दोस्तों इंटर का रिजल्ट दोस्तों आज जारी किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे चेक करना है, आपको मैं पूरा बताने वाला दोस्तों। बिहार बोर्ड ने आपको बहुत ही बड़ी अपडेट दिया दोस्तों, आज का न्यूज़ है दोस्तों, ठीक है। ये आज का न्यूज़ है दोस्तों, इंटर का रिजल्ट कुछ ही देर में दोस्तों जारी कर दिया जाएगा, ठीक है, आज 24 तारीख को। तो मैं आपको चलो बताता हूँ कब और कितना टाइम जारी किया जाएगा। देख पा रहे हैं आप, सबसे पहले ऊपर में आपको लिखा रहा है दोस्तों, BSEP बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट 2020। बिहार बोर्ड के इंटर के नतीजे आज बस कुछ देर में होंगे जारी। देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर इंटर का रिजल्ट कुछ देर में ही जारी किया जाएगा, यहाँ पर साफ साफ आपको लिख दिया है। तो मैं आपको ज़रा से नीचे लेकर चलता हूँ, यहाँ पर मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। तो अब देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको लिखा रहे हैं आप साफ साफ, तो देख पा रहे हैं यहाँ पर साफ साफ आपको यहाँ पर लिखा रहा है दोस्तों, ठीक है। देख, मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ पहला लाइन। देख पा रहे हैं दोस्तों, बिहार बोर्ड इंटर के नतीजे आज कुछ ही देर में जारी होंगे। नतीजे बिहार बोर्ड की अधिकारी वेबसाइट पर दोस्तों, जो रिजल्ट जो जो आज जारी किया जाएगा दोस्तों, देख पा रहे हैं आप, ये वेबसाइट पर आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन देगा। देख पा रहे हैं HTTP bihar.gov.in। तो दोस्तों, इस वेबसाइट पर आपको इंटर का रिजल्ट दोस्तों आज जारी कर दिया जाएगा। देख पा रहे हैं, इस पर जारी किए जाएंगे। देख पा रहे, इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित नहीं की जाएगी। बोर्ड इंटरनेट पर नतीजे जारी करेगा। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर आज ऑनलाइन नतीजे जारी करेंगे। देख पा रहे दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ आपको लिख दिया। आपको बता दें कि बिहार बोर्ड इंटर वार्षिक परीक्षा 2020 3 से 13 फरवरी तक आयोजित की गई थी। बिहार बोर्ड की माने तो इस बार 12,05,390 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इस बार कदाचार मुक्त परीक्षा ली गई। कॉपियों की मूल्यांकन 26 फरवरी से शुरू हुआ था। देख पा रहे दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ आपको लिखा रहा है, मैं आपको ज़रा सा नीचे पढ़ कर भी दिखाता हूँ हुआ था। आपको बता दें कि बिहार बोर्ड ने पहले ही कहा था कि इंटर के नतीजे पर कोरोना वायरस का कोई असर नहीं होगा। दोस्तों, जो कोरोना वायरस जो अभी फैला हुआ है इंडिया में, उसके लिए आपको दोस्तों यहाँ पर, जैसे कि कोरोना वायरस हो जाए तो बहुत सारे काम रुक जाते हैं दोस्तों, ऐसा कोई बात नहीं है, आपका काम जारी था, ठीक है। देख पर यहाँ साफ से लिख दिया, बिहार बोर्ड इंटर के मूल्यांकन का काम पहले ही पूरा हो चुका था। बिहार बोर्ड के की तरफ से कहा गया था कि नतीजे समय पर निकलेंगे। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव महाजन ने कहा था कि समय पर निकलेगा मैट्रिक वार इंटर का रिजल्ट। मूल्यांकन केंद्रों पर कोरोना वायरस का संक्रमण से बचने के लिए शिक्षकों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए थे। दोस्तों, जो भी यहाँ पर काम हो रहे थे आप लोग के लिए रिजल्ट के लिए दोस्तों, वहाँ पर आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, इसलिए आपका काम इंटर का जो तो मूल्यांकन का जारी किया दोस्तों। ये कुछ ही देर में आपको दोस्तों इंटर का रिजल्ट दोस्तों आ जाएगा। देख पा रहे हैं यहाँ पर आपका आज का न्यूज़ है दोस्तों, लाइव हिंदुस्तान टीम नई दिल्ली। देख पा रहे हैं यहाँ पर 24 मार्च। देख पा रहे हैं दोस्तों, आपको 18:00 में ये पोस्ट किया गया है दोस्तों हिंदुस्तान न्यूज़पेपर पर दोस्तों। देख पा रहे हैं, मैं आपको खबर बता दिया हूँ। तो जैसे ही रिजल्ट जारी किया जाएगा दोस्तों, मैं फटाफट वीडियो में अपलोड कर दूँगा दोस्तों, ठीक है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, जैसे ही रिजल्ट अपलोड होगा मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, साथ में बेल का जरूर दबाना। मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले जाए वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।